हम अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे कैसे सेल कर सकते हैं, कस्टमर तक प्रोडक्ट जाएगा कैसे, पेमेंट कितने दिनों में आएगा, अमेजोन पे बिजनेस करने का पूरा प्रोसेस क्या है, आपके इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में, वो भी 6 सिंपल स्टेप्स में। अगर आपको अमेजोन का ए भी नहीं मालूम तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब समझ आ जाएगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहो। तो शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। मेरा नाम है विपिन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारसार्थी क्लब। और यदि आप अभी तक पारसार्थी क्लब के मेंबर नहीं बने हो तो यहाँ की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। अब बिना देरी किए मूव करते हैं अपने स्टेप्स पे। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट है, लाइक सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी फोन नंबर होना चाहिए, इसके बाद आपके पास पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और जीएसटी नंबर, ये तीन चीजें और होनी ही चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमारे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो क्या हम अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यदि आपको अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो जीएसटी यहाँ मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए। अब भला ये जीएसटी मिलेगा कहाँ से? जीएसटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी सीए को आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी सीए जीएसटी आपको बना के दे देगा। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करिए, अपने सीए को हैंड ओवर कर दीजिए और वो सीए आपको जीएसटी अप्लाई करके दे देगा। हालांकि जीएसटी आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, आप खुद से अप्लाई करने का प्रयास करोगे, एक भी एरर आ गया तो दोबारा जीएसटी बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर यही है कि किसी सीए से ही आप अप्लाई करवाओ, बहुत थोड़ा सा फीस लगता है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है अकाउंट क्रिएशन, यानी कि आपको खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करना होगा अमेजोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस लिंक पे आप जाके खुद को एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। अकाउंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, इस लिंक पे जाने के बाद जो जो डिटेल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाए, बस आपको वो एज इट इज़ फिल कर देना है, एज इट इज़ सबमिट कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप YouTube पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं अकाउंट क्रिएशन का ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पे डालूं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट तक हमने अपना लॉन्च पैड तो रेडी कर लिया है, अब हमें रॉकेट अपना लॉन्च करना है। रॉकेट क्या चीज़ है? आपका प्रोडक्ट। सो थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये प्रोडक्ट लिस्टिंग भला क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है लाइक आपने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब कस्टमर को पता क्या चलेगा कि आप सेल क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे अपलोड करने के प्रोसेस को ही प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। और एक चीज़ आप गांठ बांध कर रख लीजिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप अपलोड करते चले जाओगे उतने ज़्यादा हायर चांसेस होंगे आपके यहाँ सक्सेसफुल होने के। क्योंकि आपके पास लेट सपोज 100 प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिए, तो हो सकता है कोई 5 प्रोडक्ट ऑर्डर लेके आए, कोई 10 प्रोडक्ट ऑर्डर लेके आए, इससे ज़्यादा सभी प्रोडक्ट आपके ऑर्डर्स नहीं लेके आते और आपको पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ऑर्डर लेके आएगा। मान के चलो 100 में से कोई 5 प्रोडक्ट भी आपके पास ऑर्डर लेके आ रहे हैं, वो 5 प्रोडक्ट इनफ है आपको प्रॉफिट में रखने के लिए हमेशा। और आगे भी आपको अपना रिसर्च कंटिन्यू रखना है और प्रोडक्ट कंटिन्यू लिस्ट करते रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउटडेटेड होते हैं आज के टाइम पे। अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट ना हो जाए, या फिर इवन आपके पास ऑर्डर्स आने भी लगे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी ऑर्डर्स आने लगे, तब भी आपको SEO कंटिन्यू करते रहना। अपने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में नए नए कीवर्ड्स का एक्सपेरिमेंट आपको कंटिन्यू करते रहना है, ताकि आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बने रहे। अब यदि आपको डिटेल में जानना है कि अमेजोन के लिस्टिंग का SEO किस प्रकार से किया जाता है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप कहीं से भी जाके ये वीडियो देख सकते हो। और यदि आपको इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल तक जाना है, तो आप मेरे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज बताई हुई है, कि किस प्रकार से आप यहां पर अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हो, किस प्रकार से आप यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में काफी सारे लोग अपना लॉस कराते हैं। ये लॉसेस कैसे रोक सकते हो आप, कैसे
कैसे आप प्रॉफिट में आ सकते हो और कैसे आप ग्रोथ पा सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। यदि आपकी सोच इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए ही बना है। आज ही बल्कि अभी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है, साथ ही आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा यदि आप इस वीडियो को देख के ये कोर्स ज्वाइन करते हो। तो अब पांचवा पॉइंट हमारे पास है डिस्पैच ऑन टाइम। काफी सारे लोगों के मन में होगा कि कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा कैसे, बिल्कुल डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहले आपके पास लेट सपोज कोई ऑर्डर आता है, आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करिए ऑर्डर और ऑर्डर का लेबल डाउनलोड करिए। लेबल का ऑप्शन भी आपको वहीं मिलेगा, वहां से लेबल आपको डाउनलोड करना है और लेबल प्रिंट कर लेना है। उसमें सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कौन से प्रोडक्ट का आपका ऑर्डर आया है। जिस भी प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आया है वो प्रोडक्ट आपको अच्छे से पैक करना है। अब मान के चलिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब मैं पहले ये ध्यान दूंगा कि ये प्रोडक्ट अगर टूट फूट वाला है तो मैं इसको बहुत अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक करूंगा, क्योंकि हब के अंदर प्रोडक्ट्स के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी की जाती है, बुरी तरीके से फेंका जाता है, तो आपको पैकिंग बड़ी अच्छी देनी है। तो पैक कर लेना सबसे पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पैक करने के बाद जो लेबल आपने प्रिंट किया है वो लेबल इस पे स्टिक कर देना है। अब क्या करना है, अब आपको कस्टमर तक छोड़ के आना है प्रोडक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, बस प्रोडक्ट पैक करके लेबल स्टिक करके आपको वेट करना है। कुरियर बॉय अपने आप ही आएगा अमेज़न का, वो पिकअप करके प्रोडक्ट ले जाएगा और विद इन 5 to 7 days ये कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब इसके अलावा तीन बातों का आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जो भी ऑर्डर आपके पास आता है वो ऑर्डर आपको डिस्पैच करना है, कैंसिल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं करना, कैंसिल करना ऑर्डर महापाप है। यदि आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपके पास ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे, तो कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं करना। सेकंड पॉइंट हमारा, ऑर्डर डिले भी नहीं करना। जो डेडलाइन आपको दिया जाता है, जो भी आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा उस ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर डिस्पैच का डेडलाइन भी आपको मिल जाएगा, वो डेडलाइन से पहले आपको वो प्रोडक्ट डिस्पैच करना है। सबसे बेटर ये रहेगा कि जो भी पूरे दिन में आपके पास ऑर्डर आए वो नेक्स्ट डे आप डिस्पैच कर दीजिए सारे के सारे, कोई भी प्रोडक्ट आपको डिले नहीं करना। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट का भी आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि आपको गलत प्रोडक्ट डिस्पैच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक आध बार चल सकता है लेकिन कंटिन्यू आपको ये काम नहीं करना। यदि आप लॉन्ग टर्म गलत प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, गलत कलर हो सकता है, गलत साइज हो सकता है या फिर प्रोडक्ट ही अलग हो सकता है, यदि आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है और एक बार अकाउंट सस्पेंड होने के बाद जल्दी यहाँ पर नहीं खोला जाता। अब इसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट है पेमेंट साइकिल। अमेजोन का पेमेंट साइकिल भला कैसा है, बहुत सिंपल है, डिलीवरी प्लस 7 days। अब इसका मतलब भला क्या हुआ, लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट डिस्पैच किया, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा 5 दिन में, ये आपका डिलीवरी टाइम पीरियड हो गया। अब डिलीवरी के बाद 7 दिन का टाइम अमेज़ॉन लेती है, उसके बाद आपके पास पेमेंट आता है 8वें दिन। यदि 8वें दिन संडे पड़ता है या फिर कोई और हॉलीडे पड़ता है तो 9वें दिन मिलेगा, 2 दिन का हॉलीडे है तो 10वें या 11वें दिन मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से पेमेंट साइकिल अमेज़ॉन का वर्क करता है। ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो ये आप एक बार चार्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ का पेमेंट साइकिल बताया है डिलीवरी प्लस 7 days। अब डिलीवरी का मान के चलते हैं हम 5 days मिनिमम, क्योंकि 5 दिन कम से कम लग ही जाता है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका इससे जल्दी भी डिलीवर हो जाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका लेट भी हो जाए, बट यहाँ पर हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं 5 days का। और 5 days हमारा डिलीवरी में टाइम चला गया, देन इसके बाद हमारा 7 days किस में चला गया, सेटलमेंट में। अब यहाँ पर 5 + 7 हमारे पास आ गया 12, मतलब कि हमने एक अनुमान लगाया कि 12 दिन के अंदर हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। अब मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आप डिस्पैच करते हो 1 तारीख को, देन 2 तारीख को, देन 3 तारीख को, 3 दिन का हम एक नॉर्मल सा साइकिल लेके चलते हैं कि 3 दिन आपने प्रोडक्ट डिस्पैच किया, एक एक प्रोडक्ट आपने डेली डिस्पैच किए हैं। अब यहाँ पर अब जो फर्स्ट वाला जो पेमेंट आना है आपका 12 + 1 = 13, 13 तारीख के आसपास आपका फर्स्ट का पेमेंट आ जाएगा। सेकंड का पेमेंट आपके पास उसी प्रकार से आएगा 14 को, थर्ड का पेमेंट आएगा आपके पास 15 को। इस तरीके से आपके पास डेली डेली पेमेंट आते हैं। हो सकता है बीच बीच में एक दिन का गैप हो, हो सकता है हॉलीडे हो, या फिर हो सकता है कोई वीकेंड हो। मान के चलिए 15 तारीख को हमारा संडे पड़ रहा है, तो क्या इस दिन भी पेमेंट हमारे पास आएगी, बिल्कुल नहीं, हम 16 कंसिडर करके चलेंगे। तो इस तरीके से ये पेमेंट साइकिल वर्क करता है। डेली के डेली आप जो प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे इस प्रकार से आपके पास पेमेंट आने लगेगा।
सो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अमेज़न पे किस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। आज की वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा यदि नए हो इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ये चैनल स्पेशली बना सेलर्स के लिए ही, और सेलर्स के मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती है। यदि आपको लाइफ में ग्रो करना है, ऑनलाइन बिजनेस अपना नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके अलावा यदि मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कॉमेंट में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कॉमेंट्स पर ज़रूरी लगता है उन पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।